तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त अर्जुन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो भाई, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक बेसिक सी दिक्कत के बारे में जो कि मेरे को फेस हो रही है, और आप में से भी कोई भाई होंगे जिनको भी ये दिक्कत फेस हो रही होगी, और आप यूट्यूब पे या कहीं पर सर्च कर रहे होगा, आपको ये दिक्कत मतलब इसके लिए सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। तो वो दिक्कत ये है, जैसे कि RPM मीटर है तो ये सडनली मतलब 3 पे आके अटक गया है। ये देखिए, क्लिप में देख लीजिए। तो मतलब 3 पे आके अटक गया है, चाहे कितना भी एक्सलेट करो, चाहे कुछ भी करो, 3 पे आके अटक गया है। तो अब आज इस वीडियो में अपन यही करेंगे कि मतलब इसको रिपेयर कैसे करना रहा। तो रिपेयर के लिए अपन देखो, पहले तो ये जो चीज़ है तो ये मतलब इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए अपन को क्या करना है, बेसिक सी यहाँ पे पकड़ना है एंड एक बार से एक झटका मारना है, नहीं खुलेगा। तो एक बार यहाँ से थोड़ा सा, एक सेकेंड, अब मतलब यहाँ से स्टीयरिंग अगर ठीक है, मतलब ऐसे ही, ये देखिए एक साइड से लॉक खुले हैं, तो एक साइड से जैसे ही खुले ये निकल गया, देखो। ठीक है, बस लॉक है इसमें और कुछ नहीं है, बस ये देखो ये आ गया हाथ में। थोड़ा आराम से करना, ठीक है। ये मतलब कुछ इस टाइप से हाल है, ठीक है, ये खुल गया। और अब ये दोनों नट आपको खोलने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैं खोल लेता हूँ, तो फिर बाद में क्या करना है, इसको यहाँ से लॉक को प्रेस करना है, यहाँ से प्रेस करना है, और यहाँ पे अगर एक और लॉक होगा, लॉक ऐसे होंगे, इनको प्रेस करने हैं, और एक ऐसे, और ये जब लॉक को प्रेस करेंगे ना तो ऐसे करके ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए ग्लास बाहर आ गया, कुछ इस टाइप से लॉक है, इनको प्रेस करके निकालना है और कुछ नहीं है। वैसे यहाँ पे नट होते हैं, नट को खोलना पड़ता है। मेरे नट क्या है कि ये टूटा हुआ है, कैसे कि पहले से टूटा हुआ पड़ा था, ठीक है, यही रीज़न है, अंदर मिट्टी गई हुई थी। तो इसको बस इतना करना है कि इसको 3 से लेके ये 0 पे लेके आना है, ठीक है। 0 पे लेके आ गए, अब ये मेरे हिसाब से वर्किंग कर वर्क होगा, आप देखना। ये हो गया, मतलब कुछ इस टाइप से अब ये वर्क करने लग गया। ये डीजल तो है नहीं अंदर, ठीक है। तो अब वापस इसको ऐसे फिट करना है, ठीक है, बस इनको ऐसे होल्स में सेट करके, एंड देन यहाँ पे और यहाँ पे लॉक सेट करने हैं, लॉक सेट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये, एक सेकेंड, ये लॉक को ऐसे वापस प्रेस करना है। ये वापस प्रेस हो गया, ठीक है, ये प्रेस हो गया, ठीक है, ये प्रेस हो गया, ठीक है। और एक लॉक यहाँ का, यहाँ पे भी लॉक है, ठीक है। इसको प्रेस करने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और ये हो गया प्रेस, ठीक है। अरे यार, ये हो गया कांच सेट, ठीक है। अब देख सकते हैं मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से कांच सेट हो गया, बस इसको प्रेस करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये वाला, अब इसको लाते हैं एंड गाड़ी को करते हैं एक बार बंद। बस ऐसे सेट किया, देखिए अब यहाँ पे गैप है, ठीक है। इस गैप को सेट करने के लिए बस ऐसे, ये देखिए एक प्रेस, ठीक है, और यहाँ पे और प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये गैप ऑलमोस्ट मैनेज हो गया, थोड़ा सा बस है जो, बस मतलब चारों साइड से ये लॉक लग गए। और यहाँ का मैं गैप है जो अपन, ठीक है, ये कवर हो गया, ठीक है। अच्छे से प्रेस ऐसे कर दीजिए, वैसे लॉक लग गए, वैसे सारे लॉक लग गए हैं, बस ऐसे अच्छे से प्रेस करेंगे तो कहीं कोई लॉक रह भी गया होगा ना, वो हो जाएगा सेट। अब इसके सारे लॉक ऑलमोस्ट सेट है, और अब ऑन करके दिखा देता हूँ। और इस ग्लास को अब जैसे कि है, इसको मतलब अंदर से भी अगर कुछ मिट्टी वगैरह हो तो क्लीन कर लेना, मैं तो कर लिया है, ठीक है। ये देखो क्लीन है एकदम, ऊपर से हाथ लगे हुए हैं, ठीक है।
अब ये हो गया सेटअप। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, मैं आपका दोस्त अर्जुन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर स्विफ्ट से रिलेटेड या कोई भी गाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेरी भी हो तो भी कर देना, ठीक है। तो बाय।